हाय, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्ड्स। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ दिनों में बिग बिलियन डे सेल और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल स्टार्ट होने वाली है और बहुत सारे फ़ोन का ऑफर भी यहाँ पर रिवील हो चुका है। इसी बीच एक फ़ोन का तगड़ा ऑफर यहाँ पर लीक निकल के आया है। मुझे नहीं पता है कि ये लीक सच है या झूठ है, लेकिन ये अभी लीक सामने निकल के आ रहा है। कौन सा फ़ोन? CMF फोन। हाँ, CMF 1 फ़ोन हम सभी को इसी बिग बिलियन डे सेल में मिलने वाला है मात्र 13,000 रुपये में। अगर CMF फोन हम सभी को मिलता है बिग बिलियन डे सेल में 13,000 रुपये में, तो ये एक ज़बरदस्त डील होने वाली है। वैसे CMF फोन का भी इंडिया में प्राइस है 16,000 रुपये और इसका 8128 वाले वेरियंट का प्राइस है 18,000 रुपये। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इसी CMF 1 के बारे में। इस फोन में हम सभी को अगर डिस्काउंट मिलेगा तो कैसे डिस्काउंट मिलेगा, और क्या इस प्राइस रेंज में ये बेस्ट फोन आप सभी के लिए होने वाली है या फिर नहीं होने वाली है, बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं सारा कुछ बात करने वाला हूँ इसी वीडियो में डिटेल के साथ। अगर आप सभी को CMF 1 के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप सभी को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, बस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। और आप सभी ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हो तो वहां पर मैं आप सभी को सेल के बारे में यूट्यूब से भी पहले इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। तो आप सभी को टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां पर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब मैं बात कर लेता हूँ कि अगर CMF 1 में अगर डिस्काउंट आता है तो किस तरह से हम सभी को डिस्काउंट मिलेगा, मतलब कि मेथड क्या होगा। देखो, जहाँ तक मुझे लगता है कि COD में इस फोन में टोटल 2,000 रुपये का डिस्काउंट आ सकता है। COD में इस फोन का प्राइस हो सकता है 14,000 रुपये। COD में इस फोन में 2,000 रुपये का ऑफ मिल सकता है और बाकी का मुझे लगता है कि 1,000 रुपये का कार्ड पर डिस्काउंट मिलेगा। कार्ड पर 1,000 का डिस्काउंट और COD में 2,000 रुपये का डिस्काउंट, मतलब कि टोटल 3,000 रुपये का डिस्काउंट। तो इस हिसाब से CMF 1 फोन का प्राइस हो सकता है 13,000 रुपये, या फिर ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट हम सभी को COD में ही 3,000 रुपये का ऑफ मिल जाए। अगर डायरेक्ट 3,000 रुपये का इस फोन में COD में ऑफ मिल जाता है तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। अब सवाल ये आता है कि क्या हम सभी को इस फोन को बाय करना चाहिए या फिर बाय नहीं करना चाहिए। अगर 13,000 रुपए में आता है तो आप सभी को इस फोन को डेफिनेटली बाय करना चाहिए। 13,000 रुपए में आप सभी के लिए बेस्ट डील होने वाली है। 13,000 रुपए में ये एक बेस्ट ऑलराउंडर फोन आप सभी के लिए हो सकती है, क्योंकि सबसे पहले इस फोन में दिया गया है डायमेंसिटी 7300 प्रोसेसर। ये प्रोसेसर मात्र 4 नैनोमीटर पे बेस है, जिसका अंतुतु स्कोर निकल के आता है 6,73,000 प्लस। हाँ, इसका अंतुतु स्कोर निकल के आता है 6.5 लाख प्लस। तो नो डाउट इस प्राइस रेंज में बेस्ट गेमिंग फ़ोन होने वाली है, बेस्ट परफॉर्मेंस फ़ोन आप सभी के लिए हो सकती है। गेमिंग के लिए चाहिए, परफॉर्मेंस के लिए चाहिए तो भी आप लोग बाय कर सकते हो। मैं कैमरा के बारे में बात करूँ तो इसके बैक साइड में दिया गया है डुअल रियर कैमरा। पहला कैमरा 50 MP का, दूसरा वही बेकार कैमरा 2 MP का, जिसमें सेंसर का यूज़ किया गया है सोनी का सेंसर। तो इसमें हम सभी को कैमरा भी अच्छा मिलने वाला है। मैं सेल्फी कैमरा के बारे में बात करूं तो इसमें हम सभी को देखने को मिलता है 16 MP का सेल्फी कैमरा। मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो इस फोन में हम सभी को मिलता है 120Hz का AMOLED डिस्प्ले, 2000 nits का पीक ब्राइटनेस। तो डिस्प्ले भी अच्छा है, कैमरा भी अच्छा है, प्रोसेसर भी अच्छा है, प्लस 5000 mAh का बैटरी भी इस फोन में दिया गया है 33W फास्ट चार्जिंग के साथ। लेकिन एक ही दिक्कत है, बॉक्स में चार्जर नहीं मिलता है, प्लस ये फ़ोन एंड्रॉयड 14 के साथ आता है। और देखो, किसी भी फ़ोन में आप लोग बैक पैनल को चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन इस फ़ोन का आप लोग खुद से बैक पैनल को चेंज कर सकते हो। तो बैक पैनल का प्राइस शायद 600 या फिर 700 रुपये है, ये आप लोग देख लेना। तो मैंने आप सभी को बता दिया कि अगर इस फ़ोन में डिस्काउंट आता है तो हम सभी को कैसे डिस्काउंट मिल सकता है और ये आप सभी के लिए क्यों बेस्ट फ़ोन हो सकती है अंडर 15,000 रुपये में। तो दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो ज़रा से भी पसंद, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के लिए आज की इस वीडियो में सीखा था, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।